तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से चाहे ऐप स्टोर से यूआर पे लोड करके अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, यूआर पे को क्लिक करना है, आपको लॉगिन कर लेना है यूआर पे में। आपका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस मैं सब दोस्तों आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये एड अकाउंट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। बैंक कार्ड, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप कितना पैसा इसमें लोड करना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप अपना देखिए दोस्तों कार्ड होल्डर नेम, मतलब जो कि आपके एटीएम पे जो भी नाम है वो डाल दीजिए। कार्ड नंबर में कार्ड नंबर डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट में एक्सपायरी डेट डाल दीजिए, सीवीवी में जो है सीवीवी डाल दीजिए और सेव दिस कार्ड को ऐसे ट्रिक कर दीजिएगा। निक नेम या जो भी लिखना होगा अपना नाम लिख दीजिएगा। सेट एज प्राइमरी कार्ड पे ऐसे ट्रिक कर दीजिएगा और सिंपल है एड पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका बैंक कार्ड लोड हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको एक क्लिक करना है, आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको उसको डाल देना है, आपका पैसा एड हो जाएगा दोस्तों। ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आपका क्या करना है, ट्रांसफर पे क्लिक करना है। देखिए अगर आपको कॉन्टेक्ट मतलब किसी दूसरे दोस्त को मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजना है तो आपको ये कॉन्टेक्ट ट्रांसफर पे जाना है। देखिए दोस्तों जो भी है इन लोगों को पैसा भेजने के लिए आपको सिंपल सा एप यहाँ पर क्लिक करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर आपको अमाउंट लिख देना है, पर आप ट्रांसफर पे आप दोस्तों क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप फैमिली और फ्रेंड्स पे ओके करके डन कर दीजिए, सीधा नेक्स्ट दबा दीजिए। नेक्स्ट दबाएंगे दोस्तों पैसा चला जाएगा सीधे आपके दोस्त के अकाउंट में। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रांसफर पर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले तो बेनिफिशियरी ऐड करना होगा दोस्तों। बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं यू आर पे में, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बेनिफिशियरी जो बना हुआ है आप सिंपल सा उसको क्लिक करेंगे, ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर दोस्तों कितना रियाल भेजना है वो यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे लाइक एक रियाल हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पर्पज आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप किस लिए भेज रहे हैं, किस चीज के लिए भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो भी मतलब देखिए दिख रहा है उस हिसाब से आप भेज सकते हैं। तो आप पैसा किसको भेज रहे हैं, अपने घर पे भेज रहे हैं, इन्वेस्ट एंड सेविंग पे क्लिक करके डन कर दीजिए। रीजन आप ट्रांसफर पर फिर फैमिली या फ्रेंड्स लिख दीजिए, डन कर दीजिए। एग्री टर्म्स पे क्लिक करके नेक्स्ट दबा दीजिए, आपका पैसा आपके अकाउंट पे चला जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब आते हैं लोकल बैंक ट्रांसफर। लोकल बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर भी एड बेनिफिशियरी कैसे करते हैं, मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस जैसे मैं ये बना के रखा हूँ तो इस पर आप क्लिक कीजिए, फिर सिंपल ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए। कितना पैसा आप डाल रहे हैं एक दबा दीजिए, चाहे कितना लाइफ में एक रियल किया हूँ। पर्पज और ट्रांसफर पे आने के बाद आपको दोस्तों पर्सनल ट्रांसफर टू इंडिविजुअल मतलब अपने अकाउंट भेज रहे हैं तो या फैमिली फ्रेंड से क्लिक करके डन कर दीजिए। फिर सीधा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट दबा दीजिए, पैसा आपके लोकल बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब दोस्तों क्यूआर कोड आ गया। क्यूआर कोड पर आप आने के बाद सिंपल है, किसी भी आप शॉप में गए हुए हैं उसका क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और सीधा पैसा जो भी आपको ऐड करना है करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अपने क्यूआर पे पैसा चाहिए तो शो माई क्यूआर कोड पर क्लिक कर दीजिए। आप इस पे कोई दुकान वाला स्कैन करेगा तो दोस्तों आपके में पैसा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों बैंक जाते हैं। अब दोस्तों इसमें लाड बचा है रियाल सीजन, जो दोस्तों इससे तो अभी हम लोग को कोई खास काम है नहीं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आसानी से पैसा किसी को भी भेज सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।